हेलो फ्रेंड्स, आई एम नाइट्रो एंड वेलकम बैक टू नूब हैकर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है जरूर उसको भी ऑन करें। एंड अगर आप स्टिल बिगिनर हो एंड आप लोगों को पता नहीं किया टर्मक्स क्या चीज़ है, काली लिनक्स क्या चीज़ है एंड इन सबको इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, देन प्लीज़ ऊपर दिखाया गया आई बटन पर क्लिक करें। आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट या तो वीडियो मिल जाएगी जिसे देख के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि कंटिन्यू कर सकते हो सीरीज़ को, क्योंकि सारी सीरीज़ आपको हिंदी में मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी। ओके गाइस, तो रीसेंट वीडियो में मैंने बताया था लिनक्स एंड यूनिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होती हैं एंड कर्नल्स क्या होते हैं, उनका एक्चुअल पर्पस क्या होता है एंड उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक मशीन को रन होने के लिए। सो गाइस, यहां पर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं GNU लिनक्स या लिनक्स का मतलब क्या होता है, हम GNU के आगे या लिनक्स के पीछे GNU को क्यों यहां पर यूज करते हैं एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे डिस्ट्रोज एंड कौन से डिस्ट्रोज हैं जो कि आजकल यहाँ पर बहुत ही फेमस है मार्केट में, सब डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखें और कहीं भी स्किप ना करें क्योंकि पूरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग पहले जान लेते हैं व्हाट इज GNU लिनक्स और लिनक्स लिनक्स एंड इट्स डिस्ट्रो टाइप्स। ओके सो गाइस, व्हाट इज लिनक्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन में बोल देते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है आजकल, हर जगह आपको देखने को मिलेगी, चाहे ऑफलाइन आप किसी से भी पूछ लेना वो भी कभी कभी गलत बता देंगे, या तो ऑनलाइन मैंने बहुत सारे ऐसे आस्क टू आस्क क्वेश्चन वाले जो वेबसाइट्स होते हैं लाइक क्वोरा, स्टॉक ओवरफ्लो, हर जगह मैंने भी छानबीन की क्योंकि मुझे भी बहुत डिटेल से जानना था, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट करने लगे थे कि यार लिनक्स इज अ कर्नल नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर चलो जान लेते हैं एक्चुअल में लिनक्स है क्या। सो लिनक्स इज अ कर्नल, जो कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पर डिफाइन किया गया, लिनक्स इज अ कर्नल विच इज मेन कोर ऑफ अ फंक्शनल सिस्टम एंड दिस कर्नल इज अ यूनिक्स लाइक कर्नल एंड लिनक्स स्टोरवर्ड्स क्रिएटेड दिस कर्नल। दिस कर्नल इज अ प्योरली मेड फ्रॉम स्क्रैच विद द हेल्प ऑफ सी एंड असेंबली लैंग्वेज। सो गाइज, लिनक्स जो है वो यूनिक्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो यहाँ पर लिनक्स है वो स्क्रैच से बना हुआ है, यानी कि कहीं से भी लिनक्स स्टोरवर्ड्स ने कॉपी पेस्ट नहीं की, ना ही उसने आइडिया को लिया, बस उनको इंस्पिरेशन मिला कि यार क्यों ना मैं भी एक ऐसा कर्नल बनाऊं जो कि बहुत ही अच्छा रहे। तो उनका यहाँ पर आज हिस्ट्री में देख सकते हो, हम सारे लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में, अपने बहुत सारे जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर, वो लोग काली के ही यहाँ पर सॉरी लिनक्स के ही बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट जानते हैं वाई पीपल कॉल लिनक्स एज OS। आंसर, नाउडेज पीपल कॉल लिनक्स एज ऑपरेटिंग सिस्टम इन शॉर्ट OS बिकॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट लिनक्स बैकग्राउंड। हाँ, मैं भी स्टार्टिंग में यही कहता था, लेकिन मुझे जाके पता चला डीप रिसर्च करने के बाद कि यार लिनक्स इज अ कर्नल, जिसे कि हम लोग GNU को मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे हम लोग जान लेंगे, बट द लिनक्स इज एक्चुअली अ कर्नल, जो कि हम स्टार्टिंग में ही जान चुके थे लिनक्स इज अ कर्नल। वॉट इज GNU एंड GNU लिनक्स। देखो यार, GNU को अगर हम यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्शन ले लें, वेन लिनक्स टॉरवेल्स क्रिएटेड ओनली कर्नल। देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, लिनक्स टॉरवर्ड्स नहीं, पूरा काली लिनक्स या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल सब उसी ने बना रखा है डेवलपर ने, बट नो गाइज, ये एक्चुअल में रियल नहीं है। एक्चुअल में लिनक्स टॉरवर्ड्स ने कर्नल का इंस्पिरेशन लेके कर्नल को क्रिएट किया था, यूनिक्स से इंस्पिरेशन लिया, तो कर्नल यहाँ पर लिनक्स का बना रहे थे और बन भी चुका था जब वो एंड होने वाला था लिनक्स पूरा क्रिएट करके, उसी टाइम पे ड्यूरिंग दैट टाइम या तो ड्यूरिंग दैट पीरियड रिचर्ड स्टॉलमैन नाम के एक बंदे ने, वो भी एक शायद डेवलपर थे, लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड GNU। GNU का फुल फॉर्म होता है GNU's नॉट यूनिक्स। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यार GNU जो भी है यूनिक्स से बहुत यूनिक है, ये यूनिक्स की तरह नहीं है। प्रोजेक्ट विच इज एक्चुअली ए गोल ऑफ क्रिएटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट आर ओपन सोर्स एंड फ्री। द GNU इज अ ग्रुप ऑफ टूल्स लाइब्रेरीज इनपुट डिवाइसेस ड्राइवर्स एवरीथिंग। जो भी यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं रिचर्ड स्टॉलमैन कि यार जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं GNU नाम का, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए लगती है। सो ये वो कंपोनेंट्स देते हैं GNU वाले जो एक कर्नल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला के बनती है। सो इसीलिए हम लोग GNU लिनक्स बोलते हैं। कोई भी यार यहाँ पर ज़्यादातर जो हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जस्ट लिनक्स नहीं बोलते, GNU लिनक्स बोलते हैं प्रोनाउंस करने के टाइम पर। ओके, द GNU स्टैंड्स फॉर GNU's नॉट यूनिक्स। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा, यूनिक्स बस एक
इंस्पिरेशन है, यूनिक सी टोटल इन लोगों ने कॉपी नहीं किया, इनका अलग चीज है. द मेन थिंग इन GNU इज दिस ऑल GNU बेस्ड OS यूज लिनक्स एज इट्स कर्नल. तो GNU को यहाँ पर लिनक्स के साथ इसलिए मिक्स किया गया क्योंकि GNU क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे लाइब्रेरीज एंड टूल्स सब प्रोवाइड करता है. इसके साथ जो GNU है वो मेन टारगेट करते हैं लिनक्स कर्नल. तो ये जो भी GNU की चीज़ें हैं वो लिनक्स कर्नल पे ही रन करती हैं. लिनक्स के अलावा कोई भी कर्नल पे ये लोग सपोर्ट नहीं करते, यानी कि इन लोगों को बाकी लोगों को ये लोग उतना भाव नहीं देते जितना लिनक्स पे देते हैं. इसीलिए GNU के साथ लिनक्स मिक्स हो चुका है, मर्ज हो चुका है. ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल इट GNU लिनक्स. GNU का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद लिनक्स का कर्नल. सो इनकी जोड़ी बन जाती है GNU लिनक्स. सो गाइस, यहां तक हम लोगों ने जाना लिनक्स क्या है. लिनक्स के जो मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल, तो वो हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यार ये कर्नल है. एंड हम लोगों ने जाना GNU का मतलब क्या है, GNU का फुल फॉर्म क्या है, एंड GNU कहां पर यूज किया जाता है, किसके साथ मिलकर काम करता है. सो हम जान चुके हैं GNU प्लस लिनक्स इज कॉल्ड GNU लिनक्स. ओके, अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रोज की. तो हम लोगों ने जान लिया GNU के अंदर गाइस कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, GNU को मिला के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते हैं जो कि लिनक्स कर्नल पे सपोर्ट करती हैं, यानी कि रन करती हैं. ओके, व्हाट इज डिस्ट्रो. डिस्ट्रो इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री होती है जो कि न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो हम उसको बोल सकते हैं न्यूज़ डिस्ट्रो, यानी कि न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट. या तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम बस याद रखने के लिए ले सकते हैं, लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है, बट यू कैन रिमेंबर इट एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वी मे मेंशन देम एज अ GNU लिनक्स डिस्ट्रोज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्पेशली लिनक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी वीडियो में. सो वी शुड मेंशन देम एज GNU लिनक्स डिस्ट्रोज डिस्ट्रीब्यूशंस. सो बेसिकली अ डिस्ट्रो इज लाइक अ कम्युनिटी इन विच डेवलपर्स डेवलप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स for Linux kernels. So there are many distros like Debian, Ubuntu, Fedora, Manjaro, Red Hat Linux, RHEL. उसके बाद आते हैं Arch, जो कि हम Arch Linux बोलते हैं. So guys, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं which is related to Linux, तो इनके distributions, it is known as a community, a group of developers. ऐसे ही आप लोग दिमाग में रख लेना, क्योंकि आगे जाके मैं आपको mind map भी दिखाऊंगा, या तो जो होता है ना आपको मैं blocks में बताऊंगा. So, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, लिनक्स के लिए लिनक्स कर्नल पे जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, इन सब के अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि हम डिबाइन मानते हैं, या तो उबंटू, फेडोरा, मैनजरो, RHEL, रेड हैट एंड उसके बाद आर्च. ये सब अलग अलग ग्रुप्स हैं. फॉर एग्जांपल हम नूब हैकर्स हैं, तो कोई और भी होगा नूब टेक नाम से जिनकी ग्रुप है जो लिनक्स का कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं. एंड और एक ग्रुप होगी जिसका नाम होगा नूब कोडर्स, जो कि वो भी एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं जो कि लिनक्स कर्नल पे चलता है. सो इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं जो अपने हिसाब से मेंटेन करती हैं, अपडेट्स देती हैं. एंड गाइस, और एक बात बता दूं, ये सारे ओपन सोर्स काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं जिसके अंदर कोई भी जा सकता है, अपडेट्स दे सकता है, अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी शो ऑफ कर सकता है. दैट्स वाई लिनक्स इज टोटली ए यूनिक प्लेटफॉर्म विथ यूनिक कम्युनिटीज़. सो दैट्स वाई अलाउ देम. ओके, नेक्स्ट, एवरी डिस्ट्रो हैज़ अ डिफरेंट टारगेट्स. ओके, तो हम ये जान चुके हैं कि यार अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग डिस्ट्रोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. तो यहाँ पर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज़ के लिए यहाँ पर टारगेट करता है. फॉर यहाँ पर डिबेन की बात करें तो ये एक सम काइंड ऑफ मिक्सड है कि यार ये कमर्शियली भी यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, एंड मेरे और आप जैसे लोग पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं पर्सनली. सो और बाकी बात रही रेड हैट लिनक्स की, तो ये सर्वर बेस्ड है, यानी कि सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बिल्ड करते हैं रेड हैट लिनक्स के जो भी हैं. ओके, रेड हैट लिनक्स फोकस करता है यहाँ पर सर्वर बेस पे. एंड हम बात करते हैं उबंटू की, तो उबंटू भी एक तरह से दोनों को मर्ज करता है, कमर्शियल एंड पर्सनल. एंड डिबेन की, तो ये भी एक तरह से मिक्सड है, ये कमर्शियल एंड पर्सनल पे भी फोकस करता है. ओके गाइस, तो ये था सारा इन्फो कि यार कैसे आप लोग यहाँ पर इनको जान सकते हो कि यार ये एक्चुअल में यहाँ पर है क्या डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक्चुअल में देखेंगे डिस्ट्रोज क्या होती है, एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है. ओके गाइस, सो ओके ठीक से सुन लो यार, यहाँ पर मैं भी कभी कभी कन्फ्यूज हो गया था, उसके बाद मुझे बहुत दिमाग लगाने के बाद इसको आपको समझाने का मौका मिल चुका है. ओके, सो यहाँ पर ओके
देखो यार, GNU लिनक्स, GNU के ऑपरेटिंग सिस्टम टूल्स मिलके लिनक्स कर्नल पे जो रन करता है वो हम बोलते हैं GNU लिनक्स। इसके अंडर आते हैं डिस्ट्रोज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओके, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं। तो उन कम्युनिटीज में यहाँ पर आता है डिबेन, उसके बाद आता है फेडोरा, उसके बाद आता है मिंट, उसके बाद आता है RHEL, इसी तरह आर्च, और भी यार बहुत सारे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं, स्टेबल रखते हैं, अनस्टेबल रखते हैं, इट्स टोटली ऑन देम। ओके, सो मैं चलो इसको अरेस्ट कर लेता हूँ। ओके, मान के चलो अभी यहाँ पर डिवाइन जो है, डिवाइन बहुत सा एक तरह का मदर का रोल प्ले करता है एज अ मदर। तो ये जो मदर है ये अपने, ये जो फेडोरा है, फेडोरा को भी सपोर्ट करता है एंड मिंट को भी सपोर्ट करता है। बहुत सारे जो कम्युनिटीज हैं या तो यहाँ पर डिस्ट्रोज हैं वो एज अ डिबेन सपोर्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत उसका सपोर्ट लेते हैं, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये बस थोड़ा सपोर्ट लेते हैं, ये पूरा डिपेंडेंट नहीं है। अगर बात करते हैं उबंटू, तो उबंटू भी एक कम्युनिटी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करवाती है, तो ये जो डिबेन है, डिबेन का भी ये थोड़ा बहुत सपोर्ट लेती हैं, एंड फेडोरा भी थोड़ा बहुत यहाँ पर डिबेन की सपोर्ट लेते हैं एंड मिंट भी लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं RHEL, तो RHEL को सपोर्ट मिलता है फेडोरा से। तो गाइज, ये अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं, लिंक्ड हैं, ये एक दूसरे के साथ आइडियाज की तरह, मतलब आइडियाज शेयर कर लेते हैं शायद से, तभी जाके हर एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एंड अगर हम इसकी थोड़ा और प्रैक्टिकल बात करें, तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, जैसे कि उबंटू, तो उसमें आप अपडेट एंड अपग्रेड की जब पैकेज चेक करोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको DPKG दिखेगा, जो कि डिबेन पैकेज मैनेजमेंट्स हैं। सो यही से प्रूव हो जाता है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस डिबेन से हेल्प लेते हैं, जो कि मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि सबको मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। मैं मदर एक रोल दे रहा हूँ बस। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उबंटू की। तो उबंटू के अंडर यहाँ पर उबंटू का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि उबंटू से मेंटेन्ड है, उबंटू कम्युनिटी या डिस्ट्रीब्यूशन से। एंड यहाँ पर उबंटू का और एक यहाँ पर एग्जांपल ले लें तो वो है ज़ोरिन OS। ज़ोरिन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि उबंटू से मेंटेन्ड है। एंड बाकी बात रही फेडोरा कम्युनिटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या किस से मेंटेन्ड है, तो फेडोरा नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फेडोरा से ही मेंटेन्ड है। एंड मिंट की बात करें तो मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मिंट से मेंटेन्ड है डिस्ट्रीब्यूशन से। एंड रेड हैट लिनक्स एक तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है फेडोरा से, फेडोरा सपोर्ट ले रहा है डिवाइन से, तो यहाँ पर रेड हैट लिनक्स का एक ऑफिशियल वर्शन है जो कि यहाँ पर रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग एज ए मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइज, वन ऑफ माई फेवरेट यहाँ पर अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो है डिवाइन। ओके, तो डिबेन यहाँ पर क्या करता है, डिबेन वैसे तो सबको सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ में डिबेन की जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो है काली लिनक्स, एंड उसके बाद है पैरेट जो कि मेरा वन ऑफ फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड सबसे टाइनी वाला यानी सबसे छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम वो है डिबेन बेस्ड, वो है टेल OS, जो कि एनोनिमिटी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को एनोनिमसली सर्व करने का मौका देता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज है, एज एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, अराउंड 400 KB या तो विद इन 5 MB इसका साइज है इस टेल OS का। देखो ना यार, कितना अमेजिंगली डेवलपर्स इतने कम साइज में भी मेंटेन कर पाते हैं ये सब चीज़ें, राइट? तो आप लोग कभी मुझे यूज़ करके बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा है टेल्स OS को लेके। ओके गाइस, तो यही था। एंड यार, डिबेन बेस्ड और भी बहुत सारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उबंटू के अंडर और भी बहुत चीज़ें हैं एंड फेडोरा की भी और भी बहुत डीप हैं। सो मैं बस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यार कैसे, कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है, उनके अंडर कौन कौन रहता है, उनके अंडर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्ड होती है। सो दिस इज ऑल गाइस। एंड अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वो है हमारे अब अपकमिंग प्रैक्टिकल सेशन ऑफ काली लिनक्स की। तो आज मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा काली लिनक्स की, वो किसके बेस पे बना हुआ है एंड उसके कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। ओके, सो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स। ओके, बिफोर काली लिनक्स, बिफोर हम लोग काली लिनक्स को जाने, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। मान के चलो यार, आपका एक फ्रेंड है जो कि आपके घर पे आया है एंड वो आते ही आपके डेस्कटॉप को देख बैठता है कि यार ये आपको पूछता है कि यार मुझे एक छोटी सी फाइल डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, तो वो क्या करता है, सिंपली आपके डेस्कटॉप को ऑन करता है तो सडनली देखता है कि यार आपके पास तो यार लिनक्स है, राइट?
जो कि कमांड लाइन इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा शॉक हो जाएगा कि यार भाई ये क्या चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए, यानी कि मुझे विंडोज की तरह आइकन्स वगैरह शो करना है, वॉलपेपर शो करना है, ऐसा डाल के दे तब मैं जाके अपनी फाइल्स डाउनलोड कर पाऊंगा। सो गाइस इसी तरह यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हर यूजर को यहाँ पर फ्रेंडलीनेस फील करवाने के लिए, जो लोग यहाँ पर CMD यूज करना चाहते हैं उनके लिए CMD कमांड लाइन बेस्ड टर्मिनल्स हैं, एंड जो लोग यहाँ पर कमांड लाइन पसंद नहीं करते, जिनको वाइट एंड ब्लैक टर्मिनल्स पसंद नहीं है, उनके लिए यहाँ पर ये जो कम्युनिटीज हैं या डिस्ट्रोज हैं, उन लोगों ने यहाँ पर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बोल के, ओके, सो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज नथिंग बट अ यूजर इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सम ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस यूजर्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स लाइक जीनोम, KDE's, प्लाज्मा, मेट एंड XFCE। ये सब कैसे पता है आपको? कमांड लाइन के अलावा, कमांड लाइन के साथ साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मजा उठाने का पूरा यहाँ पर चांस देती हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल देम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो यही एक है, ये जो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ये एक XFCE का एग्जाम्पल है। ओके, सो गाइज यहाँ पर अलग अलग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के उन्हीं के खुद के यहाँ पर डिजाइन हैं। जीनोम की बात करें तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, KDE भी एक तरह से स्टेबल भी रहेगा एंड कम चीज़ें देखने को मिलेंगी, मेट में भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन XFCE में कभी कभी ऑप्टिमाइजेशन के चलते कुछ आइकन्स अट्रैक्टिव नहीं लगते। यार ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरह आपको देखने को मिलेंगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑप्टिमाइज करना या उसकी स्टेबिलिटी पे फोकस करना, उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो, तभी थोड़ा यूजर इंटरफेस अनअट्रैक्टिव भी लग सकता है या तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग सकता है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन काइंड ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, वो है Kali Linux, वन ऑफ द यूज़र फ्रेंडली थिंग, जो कि मैं सबको सजेस्ट करूँगा, बाकी आप कुछ और फॉलो करना चाहे तो कर लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा Kali Linux। चलो जान लेते हैं, Kali Linux इज अ डिबाइन बेस्ड, यानी कि डिबाइन जो डिस्ट्रो है उसका एक उससे लिंक्ड है, उसी से सब इसकी मेंटेनेंस होती है, एंड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन फॉर डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी कि डिजिटल फॉरेंसिक्स रिसर्च पर्पज़ के लिए, एंड उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो हम लोग एथिकली करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेली नहीं बताऊँगा, थोड़ा रिस्क है, बट आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इट इज़ मेंटेन्ड एंड फंडेड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जो आप लोग देखते हो ना ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इन लोगों ने इस पर बहुत फोकस किया, बहुत भाव दिया, इसको इंपॉर्टेंस दिया, देन ये लोग उसे डेवलपर्स को और भी यहाँ पर एनकरेज फंड के थ्रू एनकरेज करने लगे, ताकि वो लोग इसको यहाँ पर मेंटेन कर सके, इसीलिए ऑफेंसिव सिक्योरिटी इसका एक ऑफिशियल यहाँ पर हाईलाइटेड है, इसीलिए यहाँ पर सब लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी को हाईलाइट करते हैं। ओके, जब बात आती है Kali Linux की, तो पहले यहाँ पर ऑफेंसिव सिक्योरिटी को सब लोग एज अ मेंटेनर, एज अ फंडर्स यहाँ पर फंड यानी कि फंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है इट इज मेंटेन्ड एंड फंडेड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर बात करें हम मोर इन्फॉर्मेशन की, तो आप चाहे तो यहाँ पर स्किप कर लो वीडियो को, या तो देखना अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। सो पैकेज मैनेजर है इसका डिबेन, यानी कि डिबेन बेस्ड है, तो फॉर श्योर यहाँ पर DPKG को ही यूज़ करेगा, एंड कर्नल की बात करते हैं तो लिनक्स का जो मोनोलिथिक कर्नल है उस पे ये रन करता है, एंड इसकी यूजर इंटरफेस की बात करें तो एक तो ये कमांड लाइन इंटरफेस पे भी काम करेगा, एंड दूसरा XFCE, जीनोम एंड KDE, अभी जो आप यूजर इंटरफेस देख रहे हो इन दोनों में से कोई एक तो रहेगा, जीनोम, KDE या तो XFCE भी हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको इनका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो www.kali.org पे जाइए, आपको मिल जाएगा इनका ISO फाइल, वहां पर आपको लाइव बूटेबल भी मिलेंगे या तो ऑफलाइन इंस्टॉलर, जो आपकी मर्जी हो, फुल वर्जन भी मिलेगा और आपको आर्किटेक्चर के हिसाब से भी मिल जाएगा। ओके गाइज, अगर अभी इसकी स्टेबल पैकेज मैनेजमेंट की बात करें, कितने यहाँ पर टूल्स हैं उसकी बात करें, तो गाइज यहाँ पर इनके हम उसको बुलाते हैं टोटली Kali Linux। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी एंड आप लोगों को जानने को मिला होगा कि यार Kali क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, डिस्ट्रोस क्या होती हैं, एंड इनके डेवलपर्स कौन है, कैसे मेंटेन होता है, सब आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, एंड आपके कुछ डाउट्स हैं या मेरे लिए कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सो गाइस, कल से हम लोग इंस्टॉल करेंगे Kali अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड मैं आपको सब मेथड्स बताऊंगा, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके ज़रूर चेक करें, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब मिल जाएंगे, एंड इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, जाके ज्वाइन हो सकते हो।
एंड आपको हमारे बुक्स चाहिए, प्रोग्रामिंग सब वगैरह चाहिए, तो हमारे दूसरे चैनल्स भी सब्सक्राइब करें, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे स्टोर का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से बुक्स या आप जो भी हम गैजेट्स यूज करते हैं उसको भी परचेस कर सकते हो। तो चलो यार मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।